तो भाई सभी को राम राम, वेलकम बैक टू एकेशा फिटनेस। और आज हमारे 100 अप चैलेंज का डे 8। तो आज हम करने वाले हैं अपना दूसरा लेग वर्कआउट, जिसमें आज हम करने वाले हैं लंजेस। तो लंजेस करते कैसे, सिंपल। लंजेस करने के लिए आप अपना पहला एक पैर आगे निकालोगे, ठीक है, सिंपल। और ये 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, ये आपका ये शेप बनना चाहिए, ठीक है। ये अगर कर रहे हो तो गलत है, ज्यादा ओवर स्ट्रेच कर रहे हो तो ये गलत है, ठीक है। आप सिंपल एक जगह पे खड़े रहोगे, अपना पैर ऊपर उठाओगे, यानी ये डाउन, ठीक है। ना ज्यादा ओवर स्ट्रेच करना है और ना कम, ठीक है, दोनों गलत है। आपके नी जॉइंट से ज्यादा प्रेशर आएगा, तो सिंपल आपको ये बस ये एंगल बनना चाहिए। आप नॉर्मल अपने हिसाब से, ठीक है, पैर हल्का सा ऊपर उठा के डाउन जाना और नी को ऐसे हल्का सा टच करना, ठीक है। ये हल्का सा टच करके फिर वापस, फिर दूसरा पैर। ये हो गया जैसे स्टैंडिंग लंजेस, सिंपल अपन लेग चेंज कर रहे हैं, 1 2। इसके तीन चार वेरिएशन आप कोई सा भी कर सकते हो, मैं चारों के चार वेरिएशन आपको बताऊंगा। जैसे ये भी हमने किया स्टैंडिंग लंजेस नॉर्मल जो होता है। आज जो हम करने वाले वो करने वाले हम वॉकिंग लंजेस। तो वॉकिंग लंजेस कैसे, सिंपल अपन एक जगह खड़े हो जाएंगे, राइट फुट निकाले, 1 2 एंड 3। तो आज हम इसी के 100 रेप करने वाले, ठीक है। 100 रेप इसका आपका तीसरा वेरिएशन बता देता हूँ, साइड लंजेस। पहले हम इसके वेरिएशन बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे लंजेस के बेनिफिट्स क्या है। तो साइड लंजेस के लिए आप कम से कम 2-2.5 फुट का गैप ले लेंगे एंड सिंपल साइड में लंज करेंगे, 1 2 3। तो हम जो सिंपल जो बेसिक वाले लंजेस है आज वो हम करने वाले हैं, क्योंकि हम वॉकिंग लंजेस कर नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि घर में थोड़ा स्पेस कम है। तो सिंपल पहले हम इसके 20 रेप लेते हैं, उसके बाद इसके क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में बात करते हैं। सिंपल एक पैर ये बाहर निकाला, ठीक है, ये फॉर्म पे बिल्कुल ध्यान देना है, गलत नहीं करें, 1 2। तो सबसे पहला बेनिफिट तो आप देख ही रहे हो कि मैं इसे कहीं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहला बेनिफिट लंजेस का ये है कि स्क्वाट्स की तरह आप इसे कहीं भी कर सकते हो और ये बॉडी वेटेड वर्कआउट है। जैसे आप इसे मास्टर कर लोगे, जैसे आप इसे आराम से एक बार में 50-60 कर ले रहे हो, तो आप वेट रख के, ठीक है, वेट बढ़िया रख के कर सकते हो, वॉकिंग वाले नॉर्मल वाले साइड दो। सो लंजेस का दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके बॉडी को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपके बॉडी में स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों आती है। और बाकी के बेनिफिट्स हम इसे कंटिन्यू करते करते बात करते हैं, ठीक है। 20 हुआ, कैमरामैन काउंट करते रहना 20 के बाद। तो पहले, ठीक है, हम ये अपना स्टार्ट करते हैं और फिर आगे बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो लेग वर्कआउट है, तो ये मेरे क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग दोनों को टारगेट कर रहा है। लेकिन इसका जो सबसे तीसरा जो मसल सबसे ज्यादा इसमें टारगेट होता है वो हमारे हिप्स, हमारे कूल्हे, ठीक है। ये हमारे हिप फ्लेक्सर्स को टारगेट करता है, जिसके कारण आपको एक अच्छा सा हिप में फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी और स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आपके हिप्स के लिए। कितना हुआ, एंड दिस इज 20। तो ये हमारे अभी 40 लंजेस हो गए। तो अभी हमारे हुए 40, अब हम सीधा रुकेंगे 80 पे, ठीक है। 41, 78, 79, 80। तो लंजेस आपका वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि कैलरी बहुत बर्न करता है। सो लंजेस कैलरी बर्न करने के लिए और वजन घटाने के लिए एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। तो हमने ये सारी बातें कर ली लंजेस के बारे में, और हमारे बस 100 रेप चैलेंज कंप्लीट होने में डे 8 का 20 लंजेस बाकी है। तो इसे हम कंप्लीट करते हैं। और वीडियो प्लीज़ अभी तक देख रहे हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलते रहे और आगे वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। अपना चैलेंज कंप्लीट करते हैं, 81 82। So finally, देखो पूरा स्वेट आ गया 100 लंजेस में ही। सो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा, और एक अच्छा सा आपको लेग्स में शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है भाई। और लंजेस तो बोल सकते हो कि स्क्वाट्स के बाद मेरा सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें आपका पूरा लेग पूरा ट्रेन हो जाता है, ठीक है। ये आपके हिप को भी टारगेट करता है,
इनर थाई के जो मसल है वो भी टारगेट होते हैं और आपको एक अच्छा सा ठीक है शेप एंड साइज देने में बहुत हेल्प करता है, और ऑफ कोर्स ये आपके काब्स मसल को भी टारगेट करता है। तो बस आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नए चैलेंज के साथ। अपना 100 रेप चैलेंज का डे कल होगा 9। बाकी इस चैलेंज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, अगर आप भी कर रहे हो तो आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।